गुड मॉर्निंग बच्चों, गुलाब सिंह पाठ का और थोड़ा ग्रामर बचा हुआ है वो आज मैं लिखती हूँ। लिख लीजिए बच्चों, गुलाब सिंह पाठ दो। गुलाब सिंह, आज सब हो जाता है। देखो बच्चों, अगले अवधि में हम थर्ड लेसन जो है वीर स्वामी विवेकानंद वो हम लेंगे। नेक्स्ट, समानार्थक शब्द बनाइए। नेक्स्ट में जो है टेंथ में समानार्थक शब्द बनाइए। समानार्थक शब्द बनाइए, तो यहां दिया है देखो क्या, समीप समीप। आपको उन्होंने पूछा है समानार्थक शब्द, समीप का समानार्थ शब्द, यहां मैं जैसा है वैसा ही लिखती हूँ। देखो बच्चों, समीप समीप, तो यहाँ आपको लिखना है, यहाँ एक दिया है पास, आपको पूछा गया है वैसे ही लिखेंगे पास। समी पास, और यहाँ नजदीक। नेक्स्ट, खून खून, यहां रक्त और लहू। नेक्स्ट, झंडा, थर्ड वन, झंडा झंडा दिया है। और आपको समानार्थक वाक्य समानार्थक शब्द उन्होंने पूछा है, तो एक पताका और यहाँ तिरंगा। नेक्स्ट फोर्थ वन, संतोष। संतोष को समानार्थक शब्द क्या है, एक खुशी और दूसरा आनंद। समानार्थक शब्द हो गया बच्चों। नेक्स्ट, उचित शब्द से खाली जगह भरिए से दिया है। मैं क्या करती हूँ, वो जो शब्द भरना है वो भी मैं लिख देती हूँ। मैंने पूरा सेंटेंस लिखती हूँ और जो लिखना था वहां मैं क्या है रेखांकित तो करती हूँ। नेक्स्ट, मैं खाली जगह भरिए, खाली जगह भरिए। यहां एक सेंटेंस दिया है और ब्रैकेट में दो शब्द उन्होंने दिया है, उन दोनों में से जो करेक्ट है वो उचित है वो आपको लिखना है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ जो उचित है वो हर लिखती हूँ और उसे ही रेखांकित करती हूँ। बड़ा भारी जुलूस, बड़ा भारी, बड़ा भारी जुलूस,
जूलियस डैश, क्या है उत्तर? निकलना था, निकलना, निकलना, निकलना था। यहाँ आपको दो ऑप्शन दिए हैं, एक निकालना और निकलना, तो निकलना सही शब्द है, इसीलिए मैंने वो लिख के रेखांकित किया है। नेक्स्ट, वह सारे घर का दुलारा, वह सारे घर का दुलारा, दुलारा क्या है यहाँ? था, थी, दो दिए थे, तो उन दोनों में से एक को चुनना है आपको, तो वह सारे घर का दुलारा था। सही आंसर, सही उत्तर क्या है? था। थर्ड वन, झंडे की तैयारी होने, लगा या लगी, दोनों में से एक चुनना है, तो झंडे की तैयारी होने लगी। फोर्थ वन, लोग भागे, लोग भागे आए, लोग भागे आए। यहाँ जो शब्द रेखांकित की है वो क्या है? रिक्त स्थान भरिए, खाली जगह भरिए जो है वो हमने लिखा है। नेक्स्ट, और एक खाली जगह भरिए है, लेकिन इसमें क्या है? प्रेरणात्मक क्रिया उन्होंने दिया है। खाली जगह भरिए, खाली जगह भरिए। यहाँ क्या दिया है आपको? प्रेरणात्मक क्रिया, मैंने प्रेरणात्मक क्रिया आपको सिखाया है ना, प्रेरणा, प्रेरणा मैंने दूसरों को प्रेरित करना, उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। मैं किसी दूसरों को काम देती हूँ तो वो दूसरा व्यक्ति तीसरे को वो काम देता है, उसे यानी मैं एक को प्रेरित करती हूँ लेकिन वो दूसरे को प्रेरित करता है, उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। तो फर्स्ट वन यहाँ क्या है देखो, मिलना, मिलना, मिलना का प्रथम प्रेरणात्मक मिलाना, और द्वितीय प्रेरणात्मक मिलवाना, प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया का प्रत्यय क्या कहा है मैंने? आना प्रत्यय है, तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का वाना प्रत्यय लगता है, तो यहाँ मिलना, मिलाना, मिलवाना, यानी आपको ये दो दिए है तो आपको फर्न लिखना है, मिलवाना। नेक्स्ट, देखना, देखना, दिखाना और दिखवाना, तो यहां सेकेंड वन उन्होंने
पूछा है। थर्ड क्या है? खाना खिलाना। खिलवाना। नेक्स्ट फर्स्ट वन गैप दिया है, यानी आपको वहां लिखना है, खाली जगह दी है। तो फोर्थ वन बच्चों में अब यह रख करती हूँ। देखो यहाँ समानार्थक शब्द आप देखिए बच्चों, पॉज कर करके लिखिए या वहां एक पॉज करने के लिए और जूम करके आप लिख सकते हो अगर ठीक तरह आपको दिखाई नहीं दिया तो। वहां एक ऑप्शन है, आपको मालूम होगा, नहीं तो आप आपके घर में जो बड़े हैं उनको पूछ सकते हो, पूछिए और पॉज करके जूम करके लिखिए। नेक्स्ट फोर्थ वन यहाँ बैठना बिठाना यहाँ आपको सेकेंड अप्रैल द्वितीय प्रेरणार्थक पूछा गया है। तो इस तरह खाली जगह भरिए, जो पांच थे वो मैंने दिया है बच्चों, वो सब आप लिखिए। और नेक्स्ट हम दूसरा लेसन थर्ड लेसन जो है उसकी ओर बढ़ेंगे। आज के गुलाब सिंह में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो सब मैंने ग्रामर क्वेश्चन आंसर सब दिए हैं, वो सब एक के बाद एक लिखिए। और अगले अवधि में हम थर्ड लेसन की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।